सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि BSNL सिम पर मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। काफ़ी बंदे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉल्स या फिर आपका फ़ोन स्विच ऑफ है और आपको मिस्ड कॉल अलर्ट का मतलब जैसे कि किसी बंदे ने आपकी स्विच ऑफ फ़ोन पर कॉल किया है और आप जैसे भी फ़ोन को स्विच ऑन करते हैं इसके बाद आपको एक मैसेज आ जाता है कि इस बंदे का कॉल आया था जबकि आपका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो ये मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस की फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ये फैसिलिटीज़ आपके BSNL सिम पर ऑन नहीं है तो आप कैसे ऑन कर सकते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में डिटेल टू डिटेल एंड को बताने वाला हूँ। सो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, BSNL सिम पर मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए सिंपल से आपको अपने फ़ोन के डायलर को ओपन कर लेना है। एंड जैसे ही डायलर को ओपन कर लेना है, इधर पर आपको कोई भी USSD कोड रन नहीं करना। इसके लिए सिंपल से 3 डॉट्स आपके सेटिंग पर देखने को मिल जाता है। इस 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है एंड सेटिंग्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इधर पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सप्लीमेंट्री सर्विसेज का, इस पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये सर्चिंग लेगा। एंड इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वैसे ही आपको करना है। आपकी मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस आपके BSNL सिम पर एक्टिवेट हो जाएगी। कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको और भी वेट करना है। एंड कॉल फॉरवर्डिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब इधर पर आपको 2 सिम देखने को मिल जाती है। अगर आपके फोन पर 2 सिम पड़ी होंगी तो सबसे पहले तो आपका स्लॉट फर्स्ट होगा, फिर इसके बाद सेकंड होगा। जैसे कि मेरी BSNL की सिम सेकंड पर पड़ी हुई है तो इधर पर सेकंड मैं इधर पर सेलेक्ट करूंगा। कॉल फॉरवर्डिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। काफी बंदे बोलेंगे भाई कॉल फॉरवर्डिंग थोड़ी ना लगा रहे हैं, तो कॉल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन पर ही आपको मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप कॉल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इधर पर आपको अलाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही अलाउ कर देते हैं तो इधर पर आपको वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल पर हम लगाएंगे तो वॉइस कॉल पर सेलेक्ट कर लेंगे। इधर पर आपको लास्ट ऑप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फॉरवर्ड व्हेन अनरीचेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लास्ट नंबर का अभी सर्चिंग ले रहा है, सर्चिंग लेने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो लास्ट नंबर का जो ऑप्शन अनरीचेबल का देखने को मिला है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इधर पर आपको डायल करना है +91 170 10, ये आपको डायल कर देना है। एंड इनेबल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही इनेबल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फेल्ड हमारा हो चुका है, बिकॉज अभी हमारी जो BSNL की सिम है उस पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, इमरजेंसी कॉल लगी हुई है। आपके मेदर पर सक्सेसफुल तरीके से ऑन हो जाएगा। सो गाइस, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस को BSNL सिम पर ऑन कर सकते हैं। बट यही प्रॉब्लम आपको एरर वाली आ रही है जैसे कि मुझे अभी आई थी, तो आप थोड़ा सा टाइम बाद ट्राई करिएगा, बिकॉज BSNL के नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं, इमरजेंसी कॉल वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती ही रहती है। तो सम टाइम आप ट्राई करते रहिए, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, इसको आप ऑन कर लेते हैं तो मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस आपकी BSNL सिम पर ऑन हो जाती है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।